नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट बढ़ी हुई थी वो भी हो चुकी है। कल आपकी लास्ट डेट थी, तो जिनको भी फॉर्म फिल करना था तो वो कर भी चुके होंगे। इसके बाद आज से जो है आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है? तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं या फिर क्या एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग की मेन जो क्लास है, जो आपका पोक्सो एक्ट है, ठीक, उससे रिलेटेड क्लास है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आज भी हम लोग थोड़े से क्वेश्चन करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लगभग लेके आई हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। और इसके बाद लगभग हम लोगों ने सिलेबस जो है सारा कंप्लीट ही कर लिया है, ठीक है? मैंने आपको जो मैं हॉस्टल वार्डन की आपकी प्रिपरेशन करवा रही थी, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है और आपके एक्ट हैं वो हम लोग सारे कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने कुछ कुछ लगा लिए हैं, और हम लोग जब तक हम लोगों की एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? तो पहले जो मैंने आपको करवाया था वो 2012 से रिलेटेड था, लगभग एक ही है, कुछ चेंजेस हैं। तो आज मेन जो है 2020 का जो आपका पोक्सो एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है? बच्चों के लिए सहमति की कानूनी उम्र को परिभाषित करना, या फिर यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में शामिल वयस्कों के लिए दंड का निर्धारण करना, सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गोद लेने के कानूनों को विनियमित करना। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सारे ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे पूछा है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आंसर देना है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना, ये सबसे पहला उद्देश्य है आपका पोक्सो एक्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 के तहत किसे बच्चा माना जाता है। मतलब जब हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था तो वहां पे था कि कौन है जो बच्चे की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 21 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति, या फिर 18 वर्ष से कम आयु की कोई व्यक्ति, या 16 से या फिर 12 वर्ष की आयु से कम के कोई व्यक्ति। तो इसमें क्या था, जो 18 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है, बच्चा श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियमों के तहत अपराध है? मतलब कौन सा इसमें, और किस नियम के तहत, यहाँ पे जैसे हम लोग पोक्सो 2020 की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है? क्योंकि इसीलिए टॉपिक ऊपर दिया गया है, जब आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहाँ पे इसी प्रकार से आपका लिखा होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है? तो कार्य नियमों के तहत अपराध है कौन सा, किसी बच्चे का उत्पीड़न करना, बच्चे के साथ मौखिक दुर्व्यवहार करना, या फिर बच्चे की उपेक्षा, मतलब उसको बच्चे को निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, एक बच्चे पर यौन हमला करना। तो पोक्सो के हिसाब से क्या है कि जो अपराध की श्रेणी में आता है, जो बच्चा है उस पर किसी भी प्रकार का यौन हमला करना, ठीक है? तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशेष सुविधा को क्या कहते हैं जहाँ पीड़ित बच्चा आरामदायक माहौल में अपना बयान दे सकता है, जब बच्चे के साथ ऐसी सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है? तो फिर आपको पता है 1 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करने का स्पेशल निर्देश दिया होता है, तो उस चीज़ को लेके ही पूछा गया है कि जब इस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो पीड़ित जो तो बच्चा है उसका सबसे कंफर्ट जोन या कंफर्ट माहौल कैसे होगा कि अपना बयान दे सके एक कंफर्ट जोन में, मतलब उसको कोई डर ना लगे, या फिर उसकी जो प्राइवेसी है उस पर किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि कोई कुछ ना बोले, ठीक है? तो एक पुलिस स्टेशन के अंदर ये चीज़ हो सकती है, या किशोर न्यायालय के अंदर, बाल हितैषी न्यायालय, या फिर पुनर्वास केंद्र, ठीक है? तो जो आपका है कि बच्चा आरामदायक माहौल में अपना बयान दे सके, तो
तो वो कहाँ हो सकता है? बाल हितैषी न्यायालय, चाइल्ड फ्रेंडली जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, उनके अंडर में ये सारी चीजें होती है। तो से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 के तहत बाल कल्याण समिति, जिसको क्या बोलते हैं, CWC, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की क्या भूमिका रहती है? अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भूमिका रहती है, पीड़ित बच्चों को चिकित्सा प्रदान करने की, यौन अपराधों में बच्चों को कल्याण सुनिश्चित करना, या फिर स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों की देखभाल करना। तो मेन भूमिका पूछी गई है जो यौन अपराधों में शामिल बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चे को इमोशनली सपोर्ट या किसी प्रकार का सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण के मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब बाल यौन शोषण होता है तो जो अलग से बच्चों के लिए स्पेशल पुलिस इकाई यूनिट होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कह सकते हैं हर जगह पे ही अलग अलग ये स्थापित की गई है, या जो लोकल पुलिस है वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो किसका ये मेन उद्देश्य या कह सकते हैं जिम्मेदारी होती है कि इस सब मामलों की शिकायत करे जाके? तो स्कूल प्रिंसिपल, बच्चे के माता पिता, पीड़ित बच्चा खुद, या फिर इनमें से सभी। तो ये मतलब जहाँ भी जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, अगर स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है तो प्रिंसिपल भी शिकायत कर सकते हैं, बच्चे के माता पिता भी, ठीक है, और बच्चा खुद भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के तहत किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने वाले वयस्क के लिए क्या सजा है? मतलब बच्चे के साथ कोई अश्लील अभद्रता होती है, ठीक है, या फिर उसको इसलिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई वयस्क करता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है, या क्या कारावास रखा गया है? न्यूनतम 7 वर्ष की कारावास, मतलब केवल फाइन उसको देना पड़ेगा, ठीक है, कोई जुर्माना वगैरह, या आजीवन कारावास, या फिर सामुदायिक सेवा। तो ये न्यूनतम पूछी गई है, तो यहाँ पे न्यूनतम है कि 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, और अधिक से अधिक वो फिर जैसा भी आपका कह सकते हैं जिसने जैसा भी अपराध किया है उसके हिसाब से सजा निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण 2020 के तहत बाल यौन शोषण मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? तो जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए 2020 के तहत, क्योंकि बहुत सारे अपडेट भी हुए थे, तो बाल यौन शोषण के मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए अधिकतम समय यहाँ पे पूछा गया है। तो अधिकतम कितना है आपका? 1 वर्ष, और कम से कम 30 दिन, मतलब 1 महीना। तो अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो आप बताएंगे 1 महीने का समय, और अधिकतम कितना हो गया? 1 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा नियम 2020 के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? मतलब कौन है जो बच्चों की सुरक्षा के ऊपर निगरानी रखता है, उसकी सारी रिपोर्ट रखता है, सारी चीज़ों पर जानकारी रखता है? तो शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय पुलिस स्टेशन? तो ये किसका काम है, हम लोग इसको अच्छे से कर भी चुके हैं, हम लोग इसके MCQs भी कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे वो लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आपका NCPCR होता है, उसका पूरा काम होता है बच्चों से रिलेटेड जो भी एक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर निगरानी रखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के दौरान पीड़ित बच्चों की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब बच्चों की गोपनीयता से क्या मतलब है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, उसको ऐसे ही पब्लिक के सामने या किसी भी, क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए होते हैं, उनके साथ ऐसी कुछ अभद्रता हुई होती है, तो पहले से मेंटल लेवल भी उनका एकदम गड़बड़ ही होता है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सभी कार्रवाई खुली अदालत में संचालित करें, मतलब ओपन जो अदालत है वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर अदालती दस्तावेज में पीड़ित बच्चों के वास्तविक नामों का उपयोग करें, जो बच्चे का नाम है उसको बार बार उपयोग करें, बच्चे की गोपनीयता बनाए रखते हुए कार्रवाई को बच्चों के अनुकूल तरीके से संचालित करें। ठीक है, तो बच्चों की गोपनीयता पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसी हिसाब से बच्चे की जो भी कार्रवाई वो की जाए। अगर कोई बच्ची है तो पुलिस जो है वो महिला पुलिसकर्मी होगी, इस प्रकार से सारा प्रावधान रखा गया है। ठीक है, बाल पीड़ितों की अदालती प्रक्रिया से बाहर करना, मतलब
कोई भी अदालती प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन अपराधों के विरुद्ध बाल संरक्षण के संदर्भ में पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है। यहाँ पे पोक्सो जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी भी जाती हैं कि आपको लगता है सिंपल है लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो इंग्लिश में हम लोग देख रहे हैं कि पोक्सो का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल ऑफेंस एक्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सोशल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये आपको अच्छे से पता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता क्या है। इसकी सूचना स्थानीय स्कूल प्राधिकारियों को दें, इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दें, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को दें, या फिर इसे गोपनीय रखें, इसकी रिपोर्ट ना करें। तो अगर ऐसा किसी के सामने कोई मामला आता है तो उसकी आप रिपोर्ट कहाँ करेंगे, इसकी सूचना तुरंत जो स्थानीय पुलिस है या अलग से बच्चों के लिए कोई पुलिस इकाई बनी हुई है वहाँ पे तुरंत रिपोर्ट करें जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत किसी बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने वाले आरोपी व्यक्ति के लिए अधिकतम सजा क्या है। अब कोई व्यक्ति ऐसे दोषी पाई गई है तो उसकी अधिकतम सजा यहाँ पे पूछी गई है। अभी हम लोग पढ़ा था तो वहाँ पे न्यूनतम पूछी गई थी, तो यहाँ पे अधिकतम क्या हो गया, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों की सुरक्षा देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक, मतलब बच्चों की सुरक्षा भी हो, देखभाल भी हो, उनके गोपनीयता भी बने रहे, सारी चीज़ें उनकी जो भी डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। तो आरोपी व्यक्ति, बाल कल्याण समिति, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कानूनी अभिभावक। तो जो आपकी अभी हम लोग पढ़ा भी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसका ये सब काम है कि बच्चे की सुरक्षा करे, देखभाल करे, उसको रहने की व्यवस्था दे, खाना पीना मेडिकल से सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका प्रबंध करवाए। किसका काम है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो बाल कल्याण समिति होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के अनुसार पोक्सो अधिनियम के तहत सुरक्षा के लिए पात्र होने के लिए किसी बच्चे की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम 12 वर्ष, अधिकतम 18 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष, या फिर अधिकतम 16 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 21, या न्यूनतम 16 वर्ष, अधिकतम 18। तो न्यूनतम 16 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी, 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पोक्सो अधिनियम की कौन सी धारा बाल यौन अपराधों से संबंधित रिपोर्ट न करने या गलत जानकारी देने पर दंड से संबंधित है। मतलब कौन सी सेक्शन है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर कुछ गलत जानकारी दी जाती है कि कुछ चीज़ है आप किसी तरीके से बता रहे हैं, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है, धारा 21, धारा 19, 23, या फिर 25। तो ये आपका आता है धारा 21, सेक्शन 21 के अंदर ये चीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई में सहायक व्यक्ति की क्या भूमिका है। एक सपोर्ट पर्सन की यहाँ पे मेन बात की गई है, उसकी भूमिका पूछी गई कि वो क्या होती है। वह व्यक्ति जो अभिव्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करे, या फिर एक व्यक्ति जो अदालत में अभिव्यक्ति के बचाव में समर्थन करता है, एक व्यक्ति जो मुकदमे के दौरान पीड़ित बच्चे को भावनात्मक समर्थन प्रदान करे, अभिव्यक्त अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। तो क्या है कि जो ये सपोर्ट पर्सन की बात की गई है, ये होता है कि एक व्यक्ति जो मुकदमे के दौरान पीड़ित जो बच्चा है उसके भावात्मक मतलब उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखे, उस प्रकार से चीज़ें करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा डर रहा है या फिर नहीं बताना चाहता है, या कोई चीज़ डर की वजह से किसी वजह से तब भी उस पर पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक सपोर्ट पर्सन रखा जाता है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज करते समय प्राथमिक विचार क्या है। बच्चे की उम्र, बच्चे का लिंग, बच्चे की गरिमा और संवेदनशीलता, बच्चे को आरोपी के बीच में संबंध। तो मतलब जब उसका आप बयान लेंगे तब प्राथमिक आपका विचार या फिर मेन उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो
तो बच्चे की जो गरिमा और संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखिए, आप जो भी बयान लेना है वो लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण मामलों के संदर्भ में नामित विशेष न्यायालय जिसको क्या बोलते हैं, डिजाइनेटेड स्पेशल कोर्ट, क्या संदर्भित करता है, मतलब इसका क्या मतलब है। पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित एक अदालत जो बच्चों से जुड़े सभी नागरिक मामलों को संभालती है, तलाक के मामलों के लिए नामित अदालत, या फिर अपराध करने वाले नाबालिगों से जुड़े मामलों के लिए नामित अदालत। तो जो ये डिजाइनेटेड स्पेशल कोर्स होती है, पोक्सो अधिनियम से जुड़े जितने भी मामले हैं इनकी सुनवाई के लिए अलग से ये अदालत बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी पीड़ित बच्चे को आरोपी का सामना करने से कैसे बचाया जाए, मतलब अगर जैसे मामला बहुत गंभीर है या जो भी बच्चा नहीं कंफर्टेबल है, तो जो भी अपराधी है उससे कैसे बचाया जाए, तो हम लोग किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे की गवाही देने की अनुमति ना देकर, या फिर बच्चे और आरोपी को अलग करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्क्रीन का उपयोग करना, ठीक है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रूप से कार्रवाई संचालित करना, बच्चे को जांच प्रक्रिया में शामिल करना। तो अगर ऐसा कुछ है, बच्चा डर रहा है या फिर कोई भी चीज़ है उसके सामने आने से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो किसी भी प्रकार से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो बच्चे और आरोपी को अलग करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं या फिर स्क्रीनिंग, इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं अगर बच्चा नहीं सामने से कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम की धारा 19 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। किसी बच्चे पर प्रवेशनात्मक यौन हमला, यौन अपराधियों का पंजीकरण, बाल यौन अपराध के मामले में गलत जानकारी देना, फिर बाल कल्याण समितियों की स्थापना, ठीक है। तो 19 धारा सेक्स धारा 19 यहाँ पर पूछी गई है, तो यौन अपराधियों का जो भी पंजीकरण है उससे ये धारा रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्मिलन के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब बच्चों के रख रखाव, समाज में उनकी जो छवि है वो बनी रहे, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है। बाल कल्याण समिति, बच्चे के माता पिता, आरोपी व्यक्ति या फिर स्कूली प्राधिकारी। तो ये अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं, बाल कल्याण समिति इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है उसका क्या मतलब है, किशोर अपराधों के मामलों को संभालना, बाल यौन शोषण मामलों की जांच करना, वयस्कों की पृष्ठभूमि की जांच करना, या बच्चे को गोद लेने को बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है उसका होता है प्राथमिक बाल यौन शोषण मामलों की जाँच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के तहत धारा 34 जो होती है वो किससे संबंधित है। बाल विवाह से पीड़ित को मुआवजा दिलवाने, या फिर किशोर न्याय प्रणाली, माता पिता की हिरासत की सजा, ठीक। तो जो 34 आपकी सेक्शन दी गई है वो संबंधित है किशोर न्याय प्रणाली, जो आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता है, मतलब बच्चों के लिए जो अलग से अदालत या इन सब चीज़ों का प्रावधान रखा गया है उन सब से रिलेट करता है आपका धारा 34, ठीक है। अब ये क्या है, जो धारा 34 है इसमें क्या होता है कि हैज द प्रोविजन इन केस एनी सच ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड इज डन बाय अनदर चाइल्ड, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक बच्चे के साथ एक बच्चे ने ही किया है, बहुत सारे ऐसे केस से ज़्यादा अपने निर्भया कांड काफ़ी फेमस है और सुना भी होगा, उसमें 18 साल से कम का है एक लड़का था जिसने ये सब चीज़ें की थी, ठीक है। तो उन सब के लिए ये आपका बनाया गया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि उसको जो बच्चों की जेल है, अदालत है, उन सब में रखा जाएगा, वहीं पे उसकी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये कब बना था, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, उसके तहत ये सब बातों का ध्यान रखा गया था कि अगर बच्चा है उसके साथ किसी बच्चे ने ही गलत किया है, ठीक है, दोनों में ही मतलब अपराधी भी बच्चा है और विक्टिम भी बच्चा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया और उसी हिसाब से सारी चीज़ें की गई। तो धारा 34 आपकी इसी से रिलेट करती है, किशोर न्याय प्रणाली, उसमें भी आरोपी भी बच्चा है और निर्दोष जो है वो भी बच्चा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों में उल्लिखित बाल मैत्रीपूर्ण न्यायालय का उद्देश्य क्या है।
जो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होती हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? अदालतें विशेष रूप से बच्चों के लिए उनके मामलों की प्रतीक्षा करते समय खेलने के लिए डिजाइन की गई हैं। ठीक है, न्यायालय जहाँ बाल पीड़ित कानूनी कार्रवाई के दौरान सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। अदालतें जो केवल बाल अपराधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती हैं, बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले बाल न्यायाधीशों वाली अदालतें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो न्यायालय जहाँ बाल पीड़ित कानूनी कार्रवाई के दौरान सहज और सुरक्षित महसूस करें, तो यहाँ पे जो है आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुल 25 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, अभी हम लोगों ने वो देखा भी था। ये जो आपको चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा उस विशेष सुविधा को क्या कहते हैं जहाँ पीड़ित बच्चा आरामदायक माहौल में अपना बयान दे सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट तो उसके लिए होता है जहाँ पे जो बच्चा है वो भी अपराधी है, तो बाल हितैषी न्यायालय। ठीक है, ये आप लोग सही कर रहे हैं, मैं पीडीएफ में भी सही कर दूंगी। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली जो कोर्ट होती है उससे रिलेट करता है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आपके सही हैं, फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हम लोग अब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और बच्चे जो बोल रहे थे कि मॉडल टेस्ट करवाए जाएँ या फिर मॉक टेस्ट करवाए जाएँ, तो उन सबका भी जल्दी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, अब टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें। मैंने आपको पहले बोला है जो केस की सुनवाई है उससे एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केस पे जो स्टे लगा था वो हट गया है। ठीक है, अब जो भी सुनवाई है जिन लोगों ने केस किया था उनके चीज़ों पे सुनवाई है उनसे रिलेट है, बच्चों से अब कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपने देखा एकलव्य ने एग्ज़ाम डेट बढ़ाई, फिर उसके तुरंत बाद करेक्शन विंडो भी आज आपकी ओपन हो चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी जल्दी ही आ जाएगी, तो अब तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है, बाकी जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो तुरंत आपको बता दिया जाएगा, और बस आप तैयारी करते रहें, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो बच्चे नए हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको ये सारी चीज़ें मिल सकें। सारी चीज़ें फ्री ही प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए, इतना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।